अक्षरा के यहाँ बेटी का जन्म हुआ था। एक तो पहले लड़की और ऊपर से सांवली। अक्षरा का दिल टूट जाता है, लेकिन पालना तो है ही। मैंने सोचा था मेरी लड़की बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे तो अभी से इसकी शादी की चिंता होने लगी है। अरे तुम इतनी आगे की क्यों सोच रही हो, पहले इसका नाम तो रख दे। हाँ, नाम तो रखना ही है, आप ही रख दो इसका नाम। मैं इसका नाम नायरा रखूंगा। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अक्षरा के यहाँ दूसरी लड़की का जन्म होता है, लेकिन अक्षरा ने जैसी लड़की सोची थी वो बिल्कुल वैसी ही थी, गोरी और खूबसूरत। नायरा अपनी छोटी बहन को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अक्षरा उसका हाथ झटका देती है। अरे क्यों उसको हाथ लगा रही है, जा बाहर जाकर खेल। अरे ये तुम क्या कर रही हो, नायरा भी तो उसकी बड़ी बहन है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ। अरे सब बात छोड़ो, मैंने अपनी बेटी का नाम गायू रखा है, बिल्कुल गाय जैसी गोरी और खूबसूरत। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, नायरा और गायू बड़ी हो जाती है। एक दिन नायरा को देखने रिश्ते वाले आते हैं। नायरा के साथ गायू भी आ जाती है। माफ करना बहन, हम तो आपकी बड़ी बेटी को देखने आए थे, लेकिन हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है। अक्षरा भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। गायू की शादी हो जाती है। नायरा अपने कमरे में उदास बैठी सोच रही होती है, ये कैसा समाज है, मैं काली हूँ तो क्या इसमें मेरा दोष है। इससे तो अच्छा है मैं अपनी जिंदगी देशभक्ति में गुजार दूँ। अगले दिन नायरा अपने पापा से कहती है, पापा मैंने आर्मी का फॉर्म भरा था और उसमें मेरा नाम आ गया है, मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। नैतिक बहुत खुश होता है। हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। नायरा अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है और कुछ महीने बाद वापस लौटकर आती है। नैतिक नायरा को देखकर बहुत खुश होता है। नैतिक नायरा से कहता है, बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ, अब जल्दी से तुम शादी कर लो ताकि तुम अपने ससुराल में खुश रहो। पापा मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अक्षरा कहती है, क्यों यहीं रहना है क्या जिंदगी भर। माँ जैसे आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, ऐसे ही लड़के वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे। नहीं बेटा, ये रिश्ता जो आया है तुम्हारी काबिलियत पर आया है। इतने में कार्तिक माँ पापा को साथ लेकर आता है। नायरा कार्तिक को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, सर आप यहाँ कैसे। नायरा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम काली हो या गोरी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी मेहनत और देश के लिए प्यार देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नायरा बहुत खुश थी और कार्तिक और नायरा की शादी हो जाती है। तो दोस्तों आज का सवाल ये है, नायरा कौन बनती है। अगर आपको पता है तो चैट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।